हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है वर्कअप। वर्कअप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्कअप क्या होता है? ढेर सारे लोग इसके बारे में बताते हैं कि नहीं, एसिडिक वर्कअप होता है, बेसिक वर्कअप नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वाटर के साथ वॉशिंग को वर्कअप कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारा प्रोसेस वर्कअप होता है। आखिर वर्कअप है क्या? ये हमारे एकेडमिक में पढ़ाए नहीं जाते हैं। हमारे साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, ढेर सारे लोगों की अलग अलग राय होते हैं। आइए आज हम इस चर्चा में आपके साथ जो काम की बात मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें हम आपको बताएंगे वर्कअप क्या होता है। तो वर्कअप क्या होता है? वर्कअप एक आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन मेथड यूज होता है, मेथड होता है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज किया जाता है। वर्कअप के देखा जाए तो चार मेन भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है क्विंचिंग ऑफ रिएजेंट। ऑर्गेनिक रिएजेंट, जो भी उसमें रिएजेंट यूज हुए हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उसको क्विंच करना, मीन्स उसको रोकना या उसको डीएक्टिवेट करने के प्रोसेस को हम क्विंचिंग बोलते हैं। पहला हो गया, क्या हो गया, फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे, क्विंचिंग ऑफ रिएजेंट। दूसरा प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ हो या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हुआ हो। तीसरा प्रोसेस होता है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। जो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस होती है, इसमें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेशली यूज होता है वाटर। तो वाटर में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी या सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक हमारा प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने का, आइसोलेट करने के मेथड को हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों मीडिया एज ए लिक्विड यूज होता है। और चौथा इसमें आता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में जल्दी जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, स्पेशली कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दूसरा होता है अगर आपका सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो आप डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। और इसके बाद एक सबसे ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच माना जाता है, वो क्या है, वो क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा कि वर्कअप क्या होता है। प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन को वर्कअप कहते हैं। ये इसके फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्विंचिंग ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स या रिएजेंट्स। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तीसरा क्या होता है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। और लास्ट होता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन के बाद वर्कअप। आप ही पूछें कि वर्कअप की जरूरत क्यों है, वर्कअप के बारे में इतना हमने हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो एक बार अपने सीनियर का देख ले तो हो जाएगा। नहीं भाई, पड़ोसी के शादी में जाने से आप दूल्हा नहीं बन जाते। तो वर्कअप अफेक्ट करता है, पहला करता है इल्ड को, कितना आपको ऑर्गेनिक कितना आपको सिंथेटिक इल्ड आता है उसको अफेक्ट करता है। अगर आप इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है। तीसरा होता है वॉल्यूम एफिशिएंसी, कितने वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में आपने ज़्यादा प्रोडक्ट आपने गेन किया है। फिर इफ्लुएंट होता है और सॉल्वेंट का रिकवरी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं वर्कअप कोई साधारण बात नहीं है, यह एक कला है। वर्कअप एक कला है और जो वर्कअप में महारत होते हैं वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट होते हैं। आइडियल प्रोसेस क्या होता है वर्कअप के लिए? आइडियल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री के अप्रोच, ग्रीन केमिस्ट्री में बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ, तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या है कि हमारा एटम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो, वेस्टेज कम से कम हो और हजारडस केमिकल का यूज हम कम से कम करें। इस प्रोसेस को हम कमाइंडली ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अगर आइडियल प्रोसेस होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्वेंट सेलेक्शन, किस सॉल्वेंट में आपका कंपाउंड और इम्प्यूरिटी दोनों में से कोई एक डिजॉल्व होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन को कूल किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, फिल्टर किया जाता है, फिर वॉशिंग दी जाती है, उसके बाद उसको ड्राइंग किया जाता है। ऐसे ही ये आइडियल क्यों है, क्योंकि यह सिंपल और चीप है,
ये बहुत सस्ता है और बहुत आसान भी है, ये तुरंत हो जाता है, इसमें थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत होती है और सॉल्वेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। अब सबसे खराब वर्कअप प्रोसेस क्या होता है? सबसे खराब वर्कअप प्रोसेस होता है कि हम रिएक्शन सॉल्वेंट के अलावा दूसरे अदर सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्शन करें। ड्राइंग के लिए हमें ड्राइंग एजेंट का यूज करना पड़े, जिससे लॉस भी होता है, साथ साथ ड्राइंग एजेंट के डिजॉल्व होने के भी चांस होते हैं, ड्राइंग एजेंट के कंटामिनेशन के भी चांस होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम करें किसी थर्ड सॉल्वेंट से, तो ये सब वर्स्ट यानी सबसे खराब वर्कअप प्रोसेस में आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को हम कैसे समझें? तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को आपको समझने के लिए जरूरी है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को आप समझिए, स्ट्रक्चर ही सारा चीज है। आप स्ट्रक्चर को यदि आप समझते हैं, सबसे पहले उसके प्योरिफिकेशन के लिए उसको कॉलम करते हैं या टीएलसी लगाते हैं, सारी चीजें आपको केमिकल स्ट्रक्चर से समझ में आएंगी। एक एपिसोड मैं लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे हम सॉल्वेंट सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम उसका सॉल्वेंट मीडिया बनाते हैं, कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं, किस रिएक्शन के कौन के लिए कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। सॉल्वेंट सिलेक्शन के बारे में भी मैं एक आपके लिए काम की बात लेकर आऊंगा। अब सॉल्वेंट को वर्कअप के लिए, सॉल्वेंट को चूज करने के लिए हमें सेलेक्टिविटी की जरूरत है। हमें एक सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना है। जल्दी हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो रिएक्शन सॉल्वेंट होना चाहिए, रिएक्शन सॉल्वेंट ज़्यादा सही है, नहीं तो दूसरा हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो उसका एंटी सॉल्वेंट ही इजिली हमारा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाए। और ऐसा हम सॉल्वेंट चूज करते हैं जिसका वर्कअप, जिसको रिकवर करना, जिसको रिमूवल करना, रिमूव करना बहुत ही क्विक हो और बहुत ही इजी हो, ठीक है। वह अब एक सबसे जरूरी, ज़्यादातर वर्कअप के प्रोसेस में वाटर का यूज किया जाता है, तो अब हमें ये देखना है कि वाटर रिएक्टिव एजेंट्स के लिए हम कैसे वर्कअप करेंगे। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे खतरनाक काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है सिंथेसिस की दुनिया में, पानी वाटर रिएक्टिव एजेंट का वर्कअप करना सबसे मुश्किल काम। काफ़ी स्किल चाहिए, बहुत स्किल, जो आर्टिस्ट होते हैं बड़ी लेवल के, जो ऊपर तक पहुंचे हुए जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे लेवल के जो आर्टिस्ट होते हैं वो वाटर रिएक्टिव, वाटर एक्टिव एजेंट का वर्कअप करते हैं। अब कैसे कैसे इसका, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरोसल्फोनिक एसिड, इनका यदि हमें वर्कअप करना होता है तो बहुत केयरफुली करना होता है। लुविस एसिड, एल्युमिनियम के सॉल्ट, बोरान फ्लोराइड, ये वाटर एक्टिव होते हैं। क्लोरोनेटिंग एजेंट जैसे थायोनिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड और POCl3 फॉस्फोरिक क्लोराइड। हाइड्राइड्स जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड, वाटर रिएक्टिव बेस जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सारे इनका वर्कअप, अगर वाटर रिएक्टिव एजेंट का यदि हम वर्कअप करते हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस ये देते हैं, इसलिए हमें इनका वर्कअप करते समय बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब हाइड्राइड का कैसे क्विंचिंग करते हैं? हाइड्राइड का क्विंचिंग हम एल्कोहल का स्लो एडिशन लो टेम्परेचर पर करते हैं। स्लो एडिशन करते हुए अगर नेसेसरी हुआ तो हमें थोड़ा वाटर मालिक्यूल्स मिलाना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि हमें वाटर मालिक्यूल्स को अवॉइड करें और जितने भी कंबाइनिंग स्टेज हैं सारे स्टेज को कंबाइन करना चाहिए। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सोडियम सल्फेट के साथ इसका क्विंचिंग करते हैं, इसमें एल्युमिनियम और लिथियम के सॉल्ट का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे वोलाटाइल अगर रिएजेंट है जो वाटर रिएक्टिव, जैसे सल्फो थायरिल क्लोराइड SOCl2, इसको हमें क्विंचिंग के बजाय हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको रिकवर करना चाहिए, इसको हमें डिस्टिल करना चाहिए। और ऐसे ही ट्राई फिनाइल फॉस्फिन TPP का अगर हमें क्विंचिंग करना है तो हमें क्या करना है, जैसे विटिंग रिएक्शन में सोनाबू रिएक्शन आप यूज करते हैं, ब्रोमिनेशन और दूसरे रिएक्शन जिसमें हमें TPP का यूज हमने किया है, उस कंडीशन में यदि आपका प्रोडक्ट नॉन पोलर है तो आप सॉल्वेंट ईथर और हेक्जेन लेकर उसको एलिमिना के थ्रू उसको आप फिल्टर कर सकते हैं या सिलिका प्लग के थ्रू उसको फिल्टर कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो TPP के ऑक्साइड होते हैं वो सिलिका के अपर लेयर में होते हैं और आपका प्रोडक्ट अगर नॉन पोलर है तो वो सीधा नीचे आ जाता है। कॉपर साल्ट का अब यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। कॉपर साल्ट का क्विंचिंग करने के लिए हमें
अमोनियम क्लोराइड के सेचुरेटेड सॉल्यूशन को स्लोली एडिशन करना है, कुछ समय तक उसको स्टीम करना है लो टेम्परेचर पर। उसके बाद यदि वो डार्क ब्लू हो गया है तो ये इंडिकेशन होता है कंप्लीट क्विंचिंग का, क्योंकि कॉपर के सॉल्ट बनते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं। तो कॉपर सॉल्ट का आपको कभी भी क्विंचिंग करना है तो अमोनियम क्लोराइड का आप यूज करेंगे, और इसका कंप्लीट इंडिकेशन है डार्क ब्लू कलर यदि बनता है तो। बोरान के कंपाउंड जैसे हाइड्रोबोरोसन, एलाइलेशन, रिडक्शन और सुजुकी कपलिंग में हम बोरान के कंपाउंड यूज करते हैं। इसको हम मेथनॉल के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको क्विंचिंग करते हैं। मेथनॉल का जैसे आप यूज करते हो, मेथनॉल क्या करता है, बोरान ट्राई मेथॉक्सी बोरान बनाता है और इस ये वोलाटाइल होता है, ये आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्विंचिंग के पर्पज होते हैं, जैसे कि अगर हम सोडियम थायोसल्फेट का 10% सोल्यूशन लेते हैं तो ये ब्रोमीन और आयोडीन के रिमूवल के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से यदि हम कॉपर सल्फेट का सेचुरेटेड सोल्यूशन यूज करते हैं तो इसका यूज होता है अमीन के कंपाउंड को रिमूव करने के लिए, अमीन के इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए। पोटेशियम फ्लोराइड KF, पोटेशियम फ्लोराइड का यूज किया जाता है ट्राई एल्किटीन के बाई प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। ड्राइंग एजेंट के लिए जनरली जो हम यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और सेलाइट का यूज करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इजिली सबके लिए यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी एफिशिएंट होता है, जबकि सोडियम सल्फेट स्मॉल स्केल पर यूज किया जा रहा है। जब मॉइस्चर बहुत ही तेज अमाउंट में होता है तब हम वहाँ पर सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। सिलाइट का भी स्मॉल स्केल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अगर ड्राइंग एजेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्कअप के लिए, वर्कअप के बाद ड्राइंग एजेंट के रूप में सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा एजोट्रॉप बनाकर वोलाटाइल हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट को वोलाटाइल में कन्वर्ट किया जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप में कन्वर्ट किया जाता है। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मिक्सचर जिनका लिक्विड और वोलाटाइल वेपर फॉर्म में दोनों में कंपोजिशन सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब जो एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन होते हैं उनका या तो बॉइलिंग पॉइंट, कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। यदि कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है उसको लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप कहते हैं, यदि कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट उनका इंक्रीज कर जाता था हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप कहते हैं। तो हम लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ सॉल्वेंट को जैसे पिरिडीन हो गया, वाटर हो गया, इन सबको रिमूव कर सकते हैं। जैसे पिरिडीन को रिमूव करने के लिए हमें साइक्लोहेक्सेन या टॉलविन या हेप्टेन का यूज करते हैं। वाटर के लिए जनरली बेंजीन और टॉलविन के एजोट्रॉप बनाकर हम इनका रिमूवल करते हैं। एक्वा सोल्यूशन के वर्कअप के लिए जैसे एसिडिक है तो हम लो लेस बेसिक सोल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। अगर बेसिक है तो लो एसिडिक वीक एसिडिक कंडीशन सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जैसे हम इसके लिए एस्टिक एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा एक्वस HCl का यूज किया जाता है, एसिडिक के लिए NaOH का यूज किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, DMF के रिएक्शन है, DMSO के रिएक्शन है, DMSO को आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि DMSO के 189 के आसपास उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, DMF का तो 154 के आसपास होता है। तो DMF की यदि आप रिएक्शन लगा रहे हैं, DMF आपका रिएक्शन सॉल्वेंट है, उसमें सिंपल सा आप वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो वाटर DMF के लिए एंटी सॉल्वेंट होता है। आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो सीधा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक जो उसमें इम्प्यूरिटी है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा काम की बात एपिसोड में, आपसे मैंने चर्चा की वर्कअप क्या होता है, वर्कअप क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, ड्राइंग एजेंट क्या होता है, वाटर एक्टिव रिएजेंट के लिए हम कैसे वर्कअप करते हैं, मेनली हमारा ये था। अब एक हम रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं, वर्कअप क्या होता है, वर्कअप वह प्रोसेस होता है प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्कअप कहते हैं। वर्कअप में क्या किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है। प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, या तो कॉलम से, डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन से किया जाता है।
इसके अलावा इसमें क्विंचिंग किया जाता है। क्विंचिंग क्यों किया जाता है? डीएक्टिवेशन के प्रोसेस को, रिएजेंट के डीएक्टिवेशन के प्रोसेस को हम क्विंचिंग कहते हैं। दोस्तों यदि आपको लगे किसी और टॉपिक पर हमें एक काम की बात एपिसोड लानी है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप जरूर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, हम आपके सजेशन को कंसिडर करेंगे और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके किसी टॉपिक पर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो उस पर हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।